सो हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल दिस इज भूमिका एंड यू आर वॉचिंग लर्न फ्रेंड्स विद भूमिका सो टूडे वी आर ग लर्न क्लास सेवेंथ चैप्टर नंबर सिक्स ठीक है तो ये वीडियो मैंने बनाया है एक क्विज टेस्ट फॉर यू तो लेट्स सॉल्व इट सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ऑपोजिट ऑफ अ घोष ठीक है आपको पूछा है आ घोष का ऑपोजिट क्या होता है तो आपके ऑप्शन हैं अ द्रुआ B है है सू C आवो एंड D है हैजूर सो योर फाइव सेकेंड टाइम बिगेंस नाउ सो टाइम गेट्स ओवर एंड द करेक्ट आंसर ऑफ इट इज ऑप्शन ए अ ध्रुआ ठीक है अ अगोश का मतलब क्या होता है गाइज टू द लेफ्ट ठीक है क्या मतलब होता है टू द लेफ्ट एंड अ ध्रुआ का मतलब क्या होता है टू द राइट ठीक है सो लेफ्ट का ऑपोजिट क्या होता है राइट सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ध्रुआ नेक्स्ट है लेशा डैश ला शेज सो so ये एक प्रेपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन है ठीक so 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 है तो ल दैट मीन्स द कैट इज द चेयर सो वेर इज द कैट तो ऑप्शन है कौंत्र द एंड दो इसके लिए आपको प्रपोजिशन uh, याद होना बहुत जरूरी है ओके okay? सो so, आपका फाइव सेकेंड का काउंट डाउन स्टार्ट होता है नाउ, ओके, सो द टाइम गेट्स ओवर एंड द करेक्ट आंसर टू दिस इज सू दैट मीन्स अंडर ठीक है सू का मतलब क्या होता है अंडर सो यू एज यू कैन सी द कैट इज अंडर चेयर राइट So, this was option B was the correct answer. Now, third one. This is an addition question. Okay. You have to add it in. So, plus 5. That means 4 plus 5 is how much? So, these with enough or set. Okay. So, your 5 second countdown starts now. सो द करेक्ट आंसर इज नाइन नफ ठीक है फोर प्लस फाइव वेरी इजी कैलकुलेशन फोर प्लस फाइव कितना होता है नाइन होता है नाइन को फ्रेंच में क्या बोलते हैं नफ सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ठीक है नेक्स्ट so, है विथ प्लस डीज विथ एक कितना होता है एट और डीज कितना होता है टेन सो एट प्लस टेन इज हाउ मच ऑप्शन हैं सो बी दी है, दी है दीज विथ एंड दी है अ, सो फाइव सेकंड काउंटडाउन स्टार्ट्स नाउ सो योर टाइम गेट्स ओवर एंड द करेक्ट आंसर टू इट इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज दीज विथ क्यों क्योंकि एट प्लस टेन इज एटीन और एटीन को हम फ्रेंच में बोलते हैं दीज विथ राइट right? now fifth question february that means february is the dash month of the year so as you all know january is the first month and february is the second month so your options are septium Decium, vitium and cynium so your five second countdowns begin now So, your time gets over and the correct answer is D. Z. M. because February is the second month of the year. Okay? Now, let's do the sixth. So, here it is d vre or fo. You have to say whether the, the sentence is vre or fo. That means whether the sentence is true or false. So, <laughs> il ne fo pe aler ala ekol. Okay? तो इसका मतलब है वी शुड नॉट गो टू द स्कूल एंड ऑप्शंस आर व्रे एंड फो यो फाइव सेकंड काउंट डाउन स्टार्ट्स नाउ ओके सो करेक्ट आंसर इज फो राइट वाई दैट वी शुड गो टू स्कूल दिस पास शुड नॉट बी देयर एल् एल्फो आलियर आला ए अगर ये ने पा नहीं होता तो ये सेंटेंस क्या होता ट्रू होता बट ने पा है हमारे पास दिया हुआ सो द क्या है ये फॉल्स है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है वट डू वी से शुगर इन फ्रेंच ऑप्शन आर शुक्र सो ए फाइव सेकेंड काउंट डाउन बिगे नाउ सो टाइम गेट्स ओवर एंड करेक्ट आंसर इज ओके

सो टाइम गेट्स ओवर एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी दैट मीन्स होमवर्क ले देव आर का मतलब क्या होता है होमवर्क फाइन ना क्वेश्चन नंबर नाइन ऑपोजिट ऑफ ब्लॉ ब्लॉ का ऑपोजिट क्या है ऑप्शन आर जोन ग्रीस नुआर एंड रूज सो फाइव सेकेंड काउंट डाउन स्टार्ट नाउ सो ए टाइम गेट्स ओवर एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी दैट इज नू आर ब्लो का मतलब क्या होता है वाइट राइट और नूआर का मतलब क्या होता है ब्लैक फाइन सो ब्लैक का ऑपोजिट क्या होता है वाइट तो इसका आंसर है नुआर ओके लास्ट क्वेश्चन लबालों डैश ला शेज

एंड द करेक्ट आंसर इज स्यूर दैट इज ऑन द टेबल स्यूर का मतलब क्या होता है ऑन सू का मतलब क्या होता है गाइज अंडर राइट सू का मतलब होता है अंडर लुहा दब होता है फार फ्रॉम यू कैन से मतलब होता है इन फाइन सो दिस वॉज अ क्विज ओके एंड डू टेल मी ऑर मार्क्स इन द कमेंट सेक्शन एंड टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग